रहीम, माय नेम इज़ नवीद नवाज एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट सिक्स क्लास लेसन फोर क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड सेंटेंसेस। तो पोइम की ट्रांसलेशन बेटा इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरह से करा दी थी। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोइम एंड एक्सरसाइज दोनों हैं। एक क्वेश्चन आंसर बेटा पोइम का है, ठीक है ना, विद इन पोइम, और एक बाकी क्वेश्चन आंसर जो हैं बेटा वो एक्सरसाइज के हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द मून लुक लाइक एट नाइट, रात के वक्त चांद कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना बेटा, कैसा। तो द मून लुक्स लाइक अ फ्लावर एट नाइट, रात के वक्त चांद एक फूल की तरह दिखाई देता है, रात के वक्त चांद एक फूल की तरह दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन टू बेटा, व्हाट इज दिस पोइम अबाउट, ये नज़म किसके बारे में है, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में है। तो आंसर, दिस पोइम इज़ अबाउट नाइट, ये नज़म रात के बारे में है, जो रात के वक्त में, ठीक है ना, चीज़ें काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, तो रात की उस खूबसूरती को इस नज़म में बयान किया गया है। क्वेश्चन थ्री बेटा, व्हेन डू द स्टार्स शाइन, सितारे कब चमकते हैं, ये जो आसमान पर आपको सितारे दिखाई देते हैं तो ये किस वक्त चमकते हैं, कब चमकते हैं। आंसर, द स्टार्स शाइन व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट, सितारे उस वक्त चमकते हैं जब सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है, ठीक है ना, ग़ुरूब होने के बाद रात की तारीकी में आसमान पर हमें, ठीक है ना, रोशन सितारे दिखाई देते हैं, चमकते हुए सितारे। क्वेश्चन फोर बेटा, व्हेन डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस, व्हाट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस, रात हमारे लिए क्या लाती है, ठीक है ना, दिन की रोशनी में हम काम भाग दौड़, ठीक है ना, अपनी एनर्जी सर्व करते हैं सारा, लेकिन रात के वक्त जो है ना हम क्या करती हैं। तो इसलिए, ठीक है ना, ये सवाल है कि रात के वक्त हम क्या करते हैं, रात हमारे लिए क्या लाती है। आंसर, द नाइट ब्रिंग्स पीस एंड काम फॉर अस, ये रात हमारे लिए इत्मीनान और सुकून लाती है, ठीक है ना, दिन की दौड़ धूप मेहनत मुशक्क़त और काम हमें थका देता है, तो इस दिन भर की मसरूफियत से थक कर रात के वक्त फिर इंसान आराम करता है, रात के वक्त सुकून के साथ सोता है, तो ये सुकून और इत्मीनान रात को, ठीक है ना, हमें मिलता है, रात ये सुकून और इत्मीनान हमारे लिए लाती है। व्हाट मेक्स द मून हैप्पी, क्या चीज़ चांद को खुश करती है, क्या चीज़ चांद को खुश करती है। आंसर बेटा, द पीसफुल सीन ऑफ नाइट मेक्स द मून हैप्पी, रात का जो एक बहुत पुरअमन खूबसूरत नज़ारा है, ये बात, ठीक है ना, चांद को खुश करती है, ये बात चांद को खुश करती है, जो बहुत पुरसकून सा नज़ारा है रात का, ये बात चांद को खुश करती है। क्वेश्चन सिक्स, व्हाई आर द बर्ड साइलेंट इन देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों में क्यों खामोश हैं। रात के वक्त आप देखें, दिन में सुबह में शाम में परिंदे आपको उड़ते दिखाई देंगे, ठीक है ना, लेकिन रात के वक्त में ऐसा नहीं होता, परिंदे हमें उड़ते दिखाई नहीं देते। तो इसलिए ये सवाल है इस नज़म के बारे में कि परिंदे अपने घोंसलों में क्यों खामोश हैं। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट टू टेक रेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों में आराम करने के लिए खामोश हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं अपने नेस्ट में, रेस्ट कर रहे हैं अपने घोंसले में, ठीक है ना, बड़े सुकून से चुपचाप खामोशी से आराम कर रहे हैं, तो इसलिए परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं। उसके बाद बेटा वर्ड सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना, ये वर्ड्स हैं, इन्हें हमने सेंटेंसेस में, ठीक है ना, यूज़ करना है। तो पहला वर्ड है बेटा डिसेंडिंग, तो इसका सेंटेंस, द सन इज़ डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है, सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है, ठीक है ना बेटा। वैसे मैंने आपको बताया था जब पोइम की ट्रांसलेशन कराई थी बेटा, आपको बताया था कि डिसेंड का मतलब कम होना या घटना है, लेकिन सबक के हवाले से, सबक के मुताबिक, इस लेसन के मुताबिक बेटा हम सन का मीनिंग जो है ना, डिसेंड का मीनिंग ग़ुरूब होना करेंगे,
सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है। सीक, तलाश करना। आई सीक माई बुक इन द क्लास रूम, मैं अपनी क्लास रूम में, मैं कमरा जमात में अपनी किताब तलाश करता हूँ। ठीक है ना, किताब इधर उधर हो गई है तो आप वो तलाश कर रहे हैं। मैं कमरा जमात में अपनी किताब तलाश करता हूँ। बोअर, जिसका मीनिंग आपको मैंने तन्हाई वाली जगह या खलवत खाना बताया था। तो द ब्राइड इज़ स्लीपिंग इन हर बोअर, दुल्हन अपनी तन्हाई वाली जगह में, यानी वो जो दुल्हन वाला कमरा है तो वहाँ ज़्यादा बंदे नहीं होते ना, तो दुल्हन अपनी, ठीक है ना, खलवत खाने में सो रही है। स्लीप, सोना, सो रही है। डिलाइट, खुशी। आई फील डिलाइट टू सी न्यू क्लोथ्स ऑन ईद, मैं ईद पर नए कपड़े देखकर खुश होता हूँ। ठीक है ना, लाजमी ईद के मौके पर बच्चे बड़े सब नए कपड़े लेते हैं, बच्चे तो लाजमी बिलखसूस लेते हैं ना, तो वो अपने नए कपड़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो इस हवाले से ये फिक्रा बनाए। आई फील डिलाइट टू सी न्यू क्लोथ्स ऑन ईद, मैं ईद पर नए कपड़े देखकर बहुत खुश होता हूँ। बर्ड्स, यहाँ टू वेयर भी आ सकता है बेटा, टू वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन ईद, ये भी ठीक होगा। बर्ड्स, परिंदे। द बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों में अंडे देते हैं, देते भी अपने घोंसलों में अंडे हैं। तो ये बेटा एग्जामिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, आप जो टर्म हम ले रहे हैं उस हवाले से आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और अपना पेपर देना है। अगले लेक्चर तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह।